देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। राष्ट्र में बीते कई दिनों से चल रहा मराठा आरक्षण आंदोलन आखिरकार अब खत्म हो गया है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा मराठा आरक्षण से जुड़ी मांगे मान लेने के बाद मनोज जरांगे पाटिल ने आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया। इसके बाद आज मनोज जरांगे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हाथों से जूस पीकर अपना अनशन तोड़ा। ठाणे के नवी मुंबई में स्थित शिवाजी महाराज की प्रतिमा के पास आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में सीएम एकनाथ शिंदे और मनोज जरांगे पाटिल ने संयुक्त रूप से शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, जिसके बाद सीएम एकनाथ शिंदे ने मनोज को जूस पिलाया। इस दौरान आंदोलन से जुड़े लोगों का जन सैलाब वहाँ एकत्रित है। आपको बता दें कि मनोज जरांगे पाटिल की ओर से शनिवार को विरोध प्रदर्शन समाप्त करने की घोषणा के बाद मराठा आरक्षण कार्यकर्ताओं ने जश्न भी मनाया। मराठा समाज को मिला आरक्षण, पूरे महाराष्ट्र भर के गांव-गांव जिलों में जश्न की धूम मची है। फटाकेबाजी तो ढोल तासे, जो ना कर पाए मराठों के बड़े बड़े नेता वो कर दिखाया एक अकेले साधारण सामान्य मानुष ने, जिसका नाम मनोज जरांगे पाटिल। एक छोटे से गांव से मराठा आरक्षण की शुरुआत करते हुए आज मुंबई के अंदर एक बड़ी अक्सरियत के साथ करोड़ों लोगों के साथ शामिल हुए, अपनी दबंगाई दिखाते हुए महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार पर अपना दबदबा, अपना प्रेशर और अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए मराठा समाज को आरक्षण की कैटेगरी में लाने के लिए मनोज जरांगे ने छेड़ी थी जो जंग, आज वो जंग का खात्मा हुआ है। आज से महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया कि बहुत जल्द मराठों का आरक्षण शुरू किया जाएगा। अप्रैल या उससे पहले या उसके बाद में मराठा समाज को मिल जाएगा आरक्षण, जिसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने मनोज जरांगे पाटिल को दे दिया उसका लेटर। पूरे महाराष्ट्र भर में मराठा समाज में इस बात को लेकर धूम मची हुई है। गांव-गांव, जिले-जिले, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र, सभी जगहों पर मराठा धूम मचा रहे हैं। लेकिन मराठा नेता, जिन्होंने हमेशा बरसा बरस मराठा समाज के नाम पर राजनीति की, सियासत की, आमदार बने, खासदार बने, मुख्यमंत्री, मंत्री, मिनिस्टर, कई पदों पर रहे, लेकिन मराठा समाज को आरक्षण नहीं दिला सके, वो काम मनोज जरांगे पाटिल ने कर दिखाया। आइए सुनते हैं क्या कहा लोगों ने मराठा आरक्षण पर। आज अपने मराठा समाजाचा जरांगे पाटिल साहेबांच्या माध्यमातून जो काही संघर्ष चालू होता त्या संघर्षाला आज एकनाथजी शिंदे साहेबांनी हा हिरवा झेंडा दाखवलेला आहे आणि आपल्याला आरक्षण मान्य झालेलं आहे। त्यामुळे आपण जरांगे पाटील साहेबांचे आणि शिंदे सरकारचं खूप खूप मनापासून मराठा समाजातर्फे आभार मानतो।